अब आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न वर्ल्ड तो वहां चली गई कि जिसमें अरहाम को निकाह के दायरे के बाहर लेकर जाया जा चुका है। आपकी और मेरे लिए डेफिनेशन सिंपल है, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे अकायद, हमारा ईमानियात और हमारा दीन का समझने का एंगल ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अल्लाह ने इस अरहाम का तकवा करते हुए जो यहाँ पर आयात में अल्फाज दिए हैं, इत्तकुल अरहाम, इसमें चौथा मफहूम यह है कि इस अरहाम का तकाजा है, प्रेगनेंसी का तकाजा है कि उसके साथ निकाह का इंस्टीट्यूशन अटैच किया जाए। अगर निकाह के दायरे के बाहर औलादें होती हैं, उन औलादों की ना आपस में कोई एफिलिएशन होती है, ना उन औलादों के लिए कोई बॉन्डिंग होती है, ना उन औलादों का कोई आपस में मोहब्बत का रिलेशनशिप हो रहा है। जाकर देख लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज का क्या हाल हो रहा है। आज से 30 साल पहले जो टूट फूट वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुई थी, पिछले 2-3 साल से वो मुस्लिम कंट्रीज और खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी। हमारा फैमिली इंस्टीट्यूशन इस वक्त टूटना शुरू हो चुका है, और जो टूटना शुरू हो रहा है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन इस वक्त औरत की है। मर्द की जिम्मेदारी है, नो डाउट, बिल्कुल है। अल्लाह ताला ऐसे उस्ताद पैदा करें, अल्लाह ऐसे स्पीकर्स पैदा करें जो मर्दों को बेहतरीन तालीम दे सकें, उनकी जिम्मेदारियाँ उनको बता सकें, और अल्लाह ताला हमारे मुसलमान मर्दों को तौफीक दे कि वो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सही बेटे, बाप और शोहर अवाम की शक्ल में बन सकें। लेकिन यह हकीकत है कि इस वक्त हमारा पाकिस्तानी माशरा आज उस नहज पर खड़ा है जहाँ आज से 30 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज खड़े थे। इस वक्त हमारा खानदानी निज़ाम अपनी टूट फूट का शिकार हो रहा है। दिस इज़ अ हाई टाइम टू टेक दीज थिंग्स सीरियसली। जिस माशरे की औरत को ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया जाए, उस माशरे में घर का यूनिट डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमारी बेटियों को अपने रोल एलोकेशंस के बारे में डाउट्स आना शुरू हो जाएंगे, अगर हमारी बेटियों के अंदर सॉफ्ट स्किल्स ख़त्म हो जाएंगी, अगर हमारी बेटियों में बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी, अगर हमारी बेटियां हर आइडियल माहौल के पीछे दौड़ेंगी, वो कभी घर बना कर नहीं रख सकती। तो ये अरहाम की चौथी डेफिनेशन जो मैंने आपको इस वक्त दी है, घरों की हिफाजत, रिश्तों की हिफाजत और घरों के अंदर हारमोनी और ट्रैंक्विलिटी बर्दाश्त के बगैर डिवेलप नहीं। देखिए अल्लाह ताला ने अपना यहाँ पर सिफत, अपना नाम कौन सा सेलेक्ट किया है, इन अल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुमको गर्दनों से पकड़े हुए है इतना करीब। मत अपने फैमिली स्ट्रक्चर का मजाक उड़ाओ, मत अपने फैमिली सिस्टम का मजाक उड़ाओ, मत बात बात पे कहो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और तोड़कर जाने की बातें करो, मत बहन भाई एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां खत्म करें, नहीं ससुराल और रिश्ते और एक्सटेंडेड फैमिलीज एक दूसरे से काट के अपने आप को अलग आइसोलेशन में बैठ जाए। ये आयत है जो आज भी मुसलमानों को हर एंगल पर कई सबक देती है। मैं एक फाइनल कहानी आपको सुना रही हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूंगी, और ये कहानी मुझे उम्मीद है आपको इतना फायदा देगी कि आपको अपने घर के हर वो रिश्ते जो किसी न किसी परसेंटेज में आपको पोक करते हैं, आपको टेंस रखते हैं, आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं, शायद उनको बर्दाश्त करने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई ग्रॉस डिस्पैरिटी नहीं है, मैं ऐसी बात नहीं कर रही कि कोई खुदा ना खास्ता बहुत ही खतरनाक मामला है कि कोई आपके साथ जो है वो फिजिकल अब्यूज़ के ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो आपको मर्डर कर सकता है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, मैं उस केस की बात नहीं कर रही। मैं अमूमी तौर पर जो हमारे घराने हैं जहाँ पर हल्का फुल्का जो है वो एक लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, जहाँ कॉन्स्टेंट क्लैश होते रहते हैं ओपिनियन डिफरेंस की वजह से, जहाँ एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं सिर्फ इसलिए कि बाहर के माशरे की वाइब्स ने हमारे अंदर के ईमान को करप्ट कर दिया है, ये कहानी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। पॉक्यूपाइंस पता है ना कैसे जानवर होता है, क्विल्स होते हैं उसके ऊपर, पॉक्यूपाइंस जो होते हैं उसके ऊपर, एक के ऊपर शायद 30,000 होते हैं। पॉक्यूपाइंस यूजुअली बहुत सर्दियों में नहीं रह पाते। तो एक मरतबा एक इलाका था जहाँ पर एक कम्युनिटी थी पूरी इनकी, सब मिलकर रहा करते थे, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था। एक ऐसा वेदर आया विंटर का कि जिसमें अनयूजुअली टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो इनके लिए काबिले बर्दाश्त नहीं था। तो सब छुपते फिरते थे, कभी किसी
दरख्त के अंदर, कभी किसी छोटे से पत्थर के नीचे, कभी कहीं कभी कहीं। तो एक इनमें जो जरा बड़ी उम्र का पॉर्क्यूपाइन था, उसने फैसला किया कि हम सब मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो सब एक वक्त में, एक टाइम में अपनी मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए। आप यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम टेलिंग यू दिस जस्ट अ स्टोरी, आपको इसमें से लेसन लेना है। सब एक जगह इकट्ठे हुए। अब जब वो गैदर हो रहे थे, सारे मतलब गैदर होने में टाइम लगता है ना, जैसे आप दर्श के लिए गैदर हो रही थी, बिल्कुल जैसे आप इस वक्त बैठी हैं, पॉक्यूपाइंस भी ऐसे बैठे हुए थे। फर्क सिर्फ यह है कि पॉक्यूपाइंस के क्विल्स होते हैं, आपको तो नहीं है ना? अलहमदुलिल्लाह। तो जब वो गैदर हो रहे थे, जमा हो रहे थे, एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, तो जमा होते गए होते गए होते गए। इन द मेन टाइम उन आपस में जब बैठ रहे थे, जमा हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने फील किया कि बाहर बहुत सर्दी है, लेकिन हम सब एक दूसरे के इतने करीब करीब आ रहे हैं, तो एक वॉर्म्थ डिवेलप हो गई है, एक दूसरे के जिस्म की गर्मी हमें महसूस हो रही है। तो एक तरफ उनको लग रहा था कि सर्दी से बचा जा सकता है, तो इससे पहले कि उनकी मीटिंग शुरू होती, उनको पहले ही सोल्यूशन नजर आ गया कि हमें करीब करीब रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, ताकि एक दूसरे के वॉर्म से हम जो है इस मौसम में, इस फ्रिजिड मौसम में, फ्रिजिड कोल्ड में सर्वाइव कर सकें। फिर जब उनकी आपस में कम्युनिकेशन शुरू हुई, तो बड़े ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा हाँ एक ही तरीका है कि हम इतने ही करीब रहकर सर्दी गुजारें। तो कुछ ने कहा हम करीब तो हैं, सर्दी तो कम हो गई है, बट देर इज वन प्रॉब्लम, एक दूसरे के जो क्विल्स हैं वो हमें कॉन्स्टेंटली प्रिक कर रहे हैं। आपको अगली बात तो खुद ही समझ आती है। तो जो बड़ा था उसे समझाया, हाँ अगर सर्दी गुजारनी है तो ये तो करना पड़ेगा। उनमें से एक था, उसको कहते हैं अक्खड़ मिजाज, उसने कहा तौबा, मैं तो किसी के कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं सर्दी में रह लूं, बट मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। बाकी सब तो वहीं रहते हैं कि हम एक दूसरे का पोक करना बर्दाश्त कर लेंगे, एक दूसरे के कुल्स बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक जो था ये बाहर निकल गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तो लगा इसको, मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन सर्दी लगती थी, कहीं छुप जाता था। फिर 4थे दिन, 5वें दिन इसको फील होने लग गया कि सर्दी इतनी हो रही है कि अब तो मैं या जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। तो इसको ख्याल ये आया कि मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं सर्दी में मर जाऊँ या क्या करूँ, वापस चला जाऊं अपने सारे उस कम्युनिटी के अंदर जहां सब पॉक्यूपाइंस इकट्ठे हैं और मैं उनके कुल्स को बर्दाश्त करूं। दिस इज द सिनेरियो ऑफ आवर रिलेशनशिप्स। आपके पास चॉइस है, जब रिलेशनशिप्स आपको परेशान करें, जब खानदान में मसले हों, जब आपके लिए कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाए, यू स्टिल हैव अ चॉइस, आप इंसान हैं, आपको चॉइस बतानी है अपनी, और इसी चॉइस की आपकी अकाउंटेबिलिटी है, याद रखिएगा। फैमिली इज अ स्टिमुलस, हालात इज अ स्टिमुलस, खानदान में कोई एक रिश्ता जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है इज अ स्टिमुलस, देर इज ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन अ स्टिमुलस एंड अ रिजल्ट, वो आपका रिस्पॉन्स होता है। आपके रिश्ते आपको पोक करते हैं, उनकी आदत आपके लिए प्रिकिंग होती है, चुपते हैं आपको, लेकिन अगर आप उनसे जान छुड़ाकर बाहर भागेंगे, यू विल लूज द वॉर्म्थ ऑफ लव, बाहर नहीं मिलेगा आपको। बाज़ों का औरतें एक खानदान से जान छुड़ा कर ये कहती हैं कि मैं कोई और ढूंढ लूंगी, आपसे अच्छा मुझे मिल जाएगा, कौन सा दूसरा फरिश्ता मिल जाता है? कोई क्रॉस डिस्पैरिटी नहीं है तो यकीनन मैं ये बात कर रही हूँ। अदरवाइज जनरली इतने बड़े मसले नहीं होते जिनको हम हाईलाइट करके बहुत बड़े मसले बना लेते हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे अंदर भी बाज ऐसी मखलूकात वाली वो अक्लमंदी अता करे जो जानवर जैसे एक क्रिएशन के अंदर भी आ सकती है। पॉक्यूपाइंस इकट्ठे हुए, एक दूसरे के क्विल्स उनको वक्ती तौर पर चुपते रहे, लेकिन आपस की वॉर्म्थ ने उनको उस फ्रिजिड सर्दी को गुजारना आसान बना दिया। इन द सेम वे ये दुनिया है, अल्लाह ने इसको बाकी नहीं बनाया, अल्लाह ने इसको खैर वाला कम्प्लीटली नहीं बनाया। इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, इसमें आजमाइशें हैं, इसमें टर्मोइल्स हैं। हमारे लिए बेहतरीन घर आखरत का तैयार हो रहा है। जिसने जितना अपनी चॉइसेस में इस्लाम को प्रेफरेंस दी, अल्लाह के तकवे को प्रेफरेंस दी, अपनी जिम्मेदारियों को शरीयत के मुताबिक निभाया, उतना उसका आखरत का घर, जन्नत का घर लग्जोरियस होगा इंशाल्लाह। जितना इस घर को खूबसूरत बनाने में अपना रोल अदा कर सकते हैं कीजिए। ये दुनिया है, आपके हाथ में अल्लाह ने इस वक्त नेमतें और अमल का इख्तियार दिया है, और इसी अमल के इख्तियार पर अल्लाह हमसे सवाल करेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं हमें दीन का ऐसा इल्म अदा कर कि हम अपने घरों को इस दुनिया की जन्नत बना सकें, और जहाँ कहीं शैतान हमारे दिलों में वसवसा डालने की कोशिश करे,
जहाँ कहीं शैतान हमारे इख्तलाफात में अपने आप को लाकर हवा देने की कोशिश करे, हम आपके दिए हुए इल्म और हिकमत की रोशनी में उस झगड़े को डिफ्यूज करने वाले बन जाएं, रिश्तों को निभाने वाले बन जाएं, रिश्तों को बर्दाश्त करने वाले बन जाएं।